सांप के काटे का जहर उतारने को लेकर लोगों में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां बनी हुई हैं और समय के साथ इसका दायरा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस बारे में लगातार जागरूकता फैलाने में लगा हुआ है। लोगों से कहा जा रहा है कि सर्प के काटने की स्थिति में जहर का असर एंटी स्नेक वेनम से ही खत्म हो सकता है, झाड़ फूंक से नहीं। इसलिए कठिन परिस्थितियों में अस्पताल पहुंचे बैगा गुनिया के पास नहीं। कोरबा जिले में स्नेक रेस्क्यू का काम करने वाली दो संस्थाओं के पास प्रतिदिन 50 से 20 कॉल आ रहे हैं और ऐसे मामलों में अलग अलग स्थान पर पहुंचकर संस्थाओं के सदस्य सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं। यह संख्या बताती है कि कोरबा जिले में सांपों की सक्रियता कितनी ज्यादा है। इसी तरह सर्पदंश के मामले भी लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। गाँव के साथ साथ शहर में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और लोग इससे परेशान हैं। समय के साथ लोगों की समझ विकसित हुई और वे जान बचाने के लिए उन उपायों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं जिसका प्रचार प्रसार सरकारी तंत्र की ओर से किया जा रहा है। एंटी स्नेक वेनम के बारे में जानकारी होने के साथ पीड़ित वर्ग इसका लाभ ले रहा है। कोरबा जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भारत भूषण बोर्डे बताते हैं कि सभी CHC और PHC में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है। अब कोशिश होगी कि एम्बुलेंस 108 में भी हम इसे उपलब्ध कराएं। एंटी स्नेक वेनम है वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है और सभी हमारे CHC PHC में उपलब्ध है और अभी हमारा प्रयास है कि 108 में भी हम उसको उपलब्ध करा देंगे जिससे कि किसी प्रकार की दवाई के लिए जो दिक्कत होती है वो यहाँ पर नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग इस बात से भली भांति अवगत है कि सर्पदंश को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां अभी भी समाज में बनी हुई हैं। विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि घटनाएं होने पर सीधे अस्पताल पहुंचे और उपचार कराएं। झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ने से नुकसान हो सकता है। हम लोगों ने हमारे जो मितानिन बहने हैं और जो स्वास्थ्य के कार्यकर्ता हैं और जो गांव के सचिव महोदय हैं उन लोगों के साथ भी हम लोग की चर्चा होती है और इस पे हम लोग एक जागरूकता जैसा भी हमारे जो छोटे छोटे हमारे जो मीटिंग्स होते हैं VHND होती है वहाँ भी हम लोग इस बात को बोलते हैं कि किसी को भी अगर सर्प काटते हैं तो कृपया करके किसी भी झाड़ फूँक के चक्कर में या जो ग्रामीण जो उपचार करते हैं उससे बचें और तत्काल हमारे पास के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर जाएँ। छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के टपकरा में सर्पदंश की घटनाओं के बाद दूसरा नंबर कोरबा जिला का बना हुआ है। सर्वाधिक प्रजातियों के सर्प जिले के अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद हैं। लगभग हर मौसम में इनकी उपस्थिति यहां वहां तय हो रही है। इसके साथ सर्पों का जहर लोगों पर उतर भी रहा है। जरूरत इस बात की है कि सर्प के काटने पर जहर को बेअसर करने के लिए सही तकनीक का उपयोग किया जाए, ना कि झाड़ फूंक के रास्ते पर चला जाए। इससे अलग कई मामलों में लोग अब होगा न्याय की तर्ज पर दुस्साहस दिखाने के साथ सर्पों को बंधक बनाने से भी पीछे नहीं रहते। हालांकि जहरीले जीव जंतुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग किस तरह से भड़ास निकाल रहे हैं। ब्रांडेसे न्यूज के लिए पवन तिवारी की रिपोर्ट।